नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक और ऐसी वजह के बारे में बात करूंगा जिस वजह की वजह से आप बहुत ज़्यादा हारते हो या ज़्यादा बार हारते हो, मतलब आपके हारने की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, सबके साथ होती है, केवल आपको सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ लो कि गैम्बलर से प्लेयर बनने के एक बहुत आगे बढ़ जाओगे आप, एक बहुत बड़ा कदम आपका होगा गैम्बलर से प्लेयर बनने की तरफ। गैम्बलर वो होता है जो ओवरऑल माइनस में रहता है, जो जुए को जुए की तरह खेलता है। प्लेयर वो होता है जो जुए को एक गेम की तरह खेलता है। अल्टीमेटली है तो सारी गेम ही, रूलेट क्या है, गेम है ना, बच्चे बचपन में खेलते हैं, ताश क्या है, गेम है, ये सब गेम्स है। इन गेम्स में जब पैसा लगाया जाता है या इस गेम से जब पैसा कमाया जाता है या जा सकता है पैसा, इसको हम लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। हम केवल उन्हीं गैम्बलिंग की बात करेंगे जो लीगल है। ऑनलाइन गैम्बलिंग अभी तक लीगल इलीगल दोनों ही नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी ऐड करती है, टीवी में भी ऐड आती है, ठीक है। और कसिनो जो है, गोवा के अंदर मैं रहता हूँ, गोवा में लीगल है कसिनो, सरकार ने इनको लाइसेंस दिए हुए हैं, तो हम उस गैम्बलिंग की बात करते हैं। बाकी इसके अलावा आपने देखा होगा, मैंने कभी किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी गैम्बलिंग के बारे में बात नहीं करी है जो इलीगल है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्टीमेटली आपको समाज में रहना है तो लीगल मेथड को ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, रूल फॉलो करने चाहिए। इन रूल्स फॉलो करते हुए आपको ग्रोथ हासिल करना। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसको मैं ये डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने ये मार्कर भी हाथ में लिया हुआ है, और इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर कई लोग पूछते हैं कि कोई साइट वगैरह बता दो, तो कुछ साइट के लिंक होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और भी एक दो साइट मैं चेक कर रहा हूँ, अप्रोच हो कर रहे हैं वो मुझे, मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में आएगी तो मैं वो भी लिंक वीडियोज़ के नीचे दे दिया करूँगा। अभी कोई अगर ऐसी साइट चाहिए हो तो वीडियो उस साइट का जो भी स्पोर्ट्स बैटिंग है या कसिनो, लाइव कसिनो वगैरह है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या हो सकता है अगर आई बटन में पॉसिबल हुआ तो ठीक है, आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नियम सारे वही होंगे जो मैंने आपको आज तक खेलने के लिए बताया है, अनुशासन, छोटा छोटा जीतना, छोटा छोटा विड्रॉल करना, विड्रॉल नहीं कर पाते हो, फ्लो बना हुआ है तो कैसे, मैंने कई वीडियो में बताया कि दो फोन दो आईडी अपनी बना करके चलो, ठीक है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि अरे ये साइट जो है ये हमारे पैसे नहीं देती बड़ा जीतने के बाद, तो बहुत सा बड़ा जीतने तक पहुँचते ही क्यों हो, जो भी बड़ा जीतेगा वो बड़ा हारेगा, ये क्लियर बात है। तो जैसे तो आप क्या करो, और मुझसे साइट के बारे में बात कि यार आप रिकमेंड करो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी साइट को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक साइट मौजूद है, अपने दम पे टेस्ट करो, समझ में आता है ठीक है, क्योंकि जो आज ईमानदार है वो आज तक ईमानदार है, आगे बेईमान हो गया तो कौन क्या करेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको उसके भी मेथड बताए कि अगर वो बेईमान करेगा तो भी, बेईमानी करेगा तो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप वो वीडियो जाके देख लो। और दूसरी एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, आपको क्या करना है, जब भी कोई साइट कहीं से भी मालूम पड़े, कोई फेसबुक ऐड में, कोई यूट्यूब ऐड में, कोई मेरे जैसा बंदा कोई रिकमेंड कर रहा है, कहीं ऐड में देखा है, कहीं भी कुछ, सबसे पहले उसके बेनिफिशियल ऑफर्स को जानो। जैसे इस साइट पे जाओगे तो आपको एक प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको उसमें $130 का बोनस मिलेगा। ऐसे ही अगर आप कोई भी साइट के बेनिफिशियल पॉइंट वो देते हैं अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, पहले तो उनके फ़ायदे ले लो, वो बोनस पॉइंट या वो जो भी बोनस देंगे रुपीज़ में देते हैं, डॉलर्स में, यहाँ पे $130 मिलेगा, ये सब कैसे यूज़ होता है इसमें, क्योंकि ये जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बना दे ताकि आप कोई गलती करो और वो उसका बेनिफिट ना ले सको। दूसरा, हमेशा मिनिमम अमाउंट, चाहे वो 500 रुपये या 1000 रुपये, डिपॉजिट करके देख लो कितना डिपॉजिट होता है, जल्दी होता है, नहीं होता है, कौन सा मेथड इजी है, सब कुछ ओके है। उसके बाद विड्रॉल करके देख लो 500 रुपये, कि विड्रॉल कितनी देर में आता है, क्या मेथड है, लाइव चैट कर लो जो कस्टमर सपोर्ट वगैरह, उसके बाद जाके अड़ो। ऐसी थोड़ी, जब आप एक मकान खरीदने जाते हो सारे एंगल से देखते हो ना उसको, कोई कार खरीदने जाते हो तो उसके सारे फीचर्स, एवरेज, उसकी कंपनी, उसके सर्विस सेंटर कितने हैं, वर्कशॉप क्या है, उसका फीडबैक क्या, सब देखते हो ना। तो वैसे ही आप ये साइट्स को, ऐसा नहीं कि ऐड देखी, मुंह देख उठाया और वहाँ पे साइट पे चले गए और डाल दिया जी 5000, चाहे मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे थे, और अब ये देख रहे हो आप, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ है, इधर मैंने पैसे लिखे हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, यहाँ मैंने टाइम लिखा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, ठीक है। इसको आप अपनी
औकात के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से इन अमाउंट को आप आगे पीछे करके समझ लेना, ठीक है। जो बड़ा प्लेयर है वो उसको लाखों में कर ले, जो छोटा प्लेयर है वो उसको 500, 1000, 2000 में कर ले, जैसे भी आपको ठीक लगता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। अब होता ये है दोस्तों, आप ऑनलाइन गैम्बलिंग करो या ऑफलाइन गैम्बलिंग करो, ऑफलाइन में आप यहाँ किसी कसिनो में जाओ या आप ऑनलाइन में जब वेबसाइट में पैसे डाल के एंटर करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये डाले, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 10,000 रुपये डाले तो आप क्या चाहोगे कि आपका ग्राफ ऐसे पहुँचे। कोई चाहेगा 10 का 20 हो जाए, कोई चाहेगा 10 का 30 हो जाए, है ना। आपने कभी भी जिंदगी में कोई भी ग्राफ देखा होगा क्या? ऐसे लाइनें कभी देखी हैं आज तक? कभी भी ऐसी लाइनें नहीं देखी होंगी आपने, है ना। कभी भी ऐसी लाइनें नहीं देखी, होती ही नहीं है, ग्राफ ऐसे बनता ही नहीं है। ग्राफ कैसे बनते हैं? ग्राफ ऐसे बनते हैं कि आपने 10,000 से शुरू किया, ये ऐसे गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऐसे 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 करके जाता है ग्राफ, है ना। ऐसे चलता है ग्राफ। ये नीचे का मतलब क्या है? यहाँ 10,000 से शुरू किया, यहाँ पर आप 15,000 पर पहुंचे, ये दोनों के बीच में है, 15,000 पर पहुंचे, फिर आपकी बैट बैट चली गई, आप वापस 10,000 के आसपास आ गए, फिर आपकी तीन चार बैट आ गई, आप वापस 20,000 के आसपास पहुंचने वाले थे, 20,000 से नीचे है, मतलब 20,000 पर टच नहीं किया है, फिर धड़ाम नीचे आ गए, फिर तीन चार बैट आ गई, ऐसे करके चल रहा है ग्राफ, हमेशा ऐसे ही होते हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ ऐसे भी होंगे, और यहाँ जीरो, अगर ये यहाँ आ गया तो मतलब जीरो, ठीक है ना। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो आप। आप लोग हारते हो क्योंकि आप रोज जीतना चाहते हो, आप रोज जीतना चाहते हो इसलिए हारते हो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, या कमेंट में आपने पढ़ा होगा कि सर क्या हम रोज के 500 रुपये बना सकते हैं, कोई कहता हम रोज के 10,000 जीत सकते हैं। मुझे कई बार अभी हाल फिलहाल में कसीनो में लोग मिले जो ये कहते हैं कि यार हम 50,000 रुपये लेके आते हैं और हम तो सोचते हैं कि 5,000 रुपये रोज के बना ले, या 1 लाख लेके आए तो 10,000 रुपये रोज के बन जाए। अभी छोटी छोटी उम्र के लड़के मिलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर मेरे वीडियो देख के आए तो तुम आ ही नहीं सकते मेरे वीडियो देख के, क्योंकि मैं कभी बोलता ही नहीं, मेरे वीडियोज नए लोगों के लिए है ही नहीं, जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो अपना सब कुछ गवा चुके हैं उनके लिए। तो ये जो रोज डेली बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते, एक्चुअली में आप रोज जीत ही नहीं सकते। तो हमने एक एवरेज निकाली है कि हम मानते हैं कि 50% जीत सकते, 50% तो जीत सकते हैं, 50% वो जीतेगा। तभी मैंने बोला कि 50% वो जीतेगा, 50% आप जीतोगे तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो प्रॉफिट इसलिए होगा कि आपको अपने 50% का उसके 50% जीतने से ज्यादा अमाउंट रखना है। मतलब कि आपने 1,000 रुपये लेके बैठे, अगर आप 1,000 जीत रहे हो और 1,000 ही हार रहे हो, मतलब आपने 1,000 का 2,000 किया और घर चले गए, और फिर आपने 15 दिन 1,000 का जीरो, तो आप बराबर में रहोगे, बराबर में रहोगे, फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, हार जाओगे। अगर आप 1,000 के 3,000 बनाते हो, या 3,000 से थोड़े बहुत 10-20% प्लस माइनस रखते हो अपना अमाउंट, तो 15 दिन वो जीतेंगे, 15 दिन आप जीतोगे, फिर भी आप 15,000 रुपये प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। ये होता है। अब बात आती है कि हम हारते क्यों हैं।